हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। तो अभी मैं सूरज के घर था और हम रास्ते में ही है, ये मुझे बैजनाथ तक छोड़ देगा और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा बद्रीनाथ की तरफ। आज तो नहीं पहुंच पाऊंगा, काफ़ी दूर है, देखता हूं जहां तक भी पहुंच पाता हूं, लेकिन ये ट्रिप होगी अब बद्रीनाथ के लिए। और वहां जाकर पता चलेगा, हो सकता है मैं पहले फूलों की घाटी भी चले जाऊँ और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी चले जाऊँ, लेकिन वो तो रास्ते में डिपेंड करेगा। लेकिन अभी यहाँ से चलने का टाइम आ गया है और सूरज को बाय बोलने का टाइम आ गया है। मैं दूसरी बार इसके घर आके रुका हूँ, मैं जब मुनस्यारी गया था उससे पहले भी रुका था और अब मुनस्यारी से आके फिर रुका था दो तीन दिन। तो अब जा रहा हूँ मैं बद्रीनाथ के लिए। ठीक है भाई, ठीक है। और अब भाई जा रहा केदारनाथ बद्रीनाथ साइड। तो भाई यही मेरी तो यही विश है कि मतलब चैनल चले इसका, खूब आगे बढ़े भाई, सक्सेस मिले इसको। इतनी मेहनत कर रहा बंदा, तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो सारे। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो चले फिर मिलते हैं, सूरज भी निकलेगा एक दो दिन में, शायद कल निकल जाएगा ये भी घर मथुरा जाएगा वगैरह देखना मेरे को भी। हाँ। तो मैं वापसी जाऊंगा तो ठीक है, अभी तो ये आगे चलेगा फिर वहां तक छोड़ देगा, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगा। और सूरज ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है, ये पीछे माँ कोट भ्रामरी का मंदिर था जहाँ पर मेला लगा था, और पीछे की साइड रह गया बैजनाथ, और अब मैं आगे की साइड जाऊंगा, इधर की साइड ये ग्वालदम होते हुए जाऊंगा मैं, ग्वालदम कर्णप्रयाग और फिर बद्रीनाथ। तो ठीक है सूरज, मिलेंगे फिर कभी, ओके बाय बाय। तो सूरज चला गया है अपने घर की तरफ और मैं निकलता हूँ बद्रीनाथ की तरफ। और मैं वैसे कल जाने वाला था 17 तारीख को, लेकिन कल रेड अलर्ट था बारिश की वजह से, कल पूरे दिन रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तो आज मौसम थोड़ा खुला हुआ है, कहीं कहीं धूप भी निकल रही है। तो आज 18 तारीख हो गई और आज ही मैं जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आप फल देख रहे हो ना, संतरे टाइप में, मौसमी टाइप में, लेकिन इन्हें कहते हैं चकोतरे, और ये काफ़ी इससे भी बड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो चलो आगे निकलता हूँ अभी मैं। वो गढ़वाल कितने आगे से लग जाएगा? गढ़वाल 22 किलोमीटर से जाएगा, गढ़वाल हुआ। अच्छा 22 किलोमीटर आगे से, ग्वालदम 18 है, ग्वालदम गढ़वाल में ही आता है ना। अच्छा 18 ये वाला रास्ते में हुआ, इधर 22 है। अच्छा इधर में ज्यादा है, लेकिन इधर गाड़ियाँ कम चलती होंगी ना, उस पर गाँव वगैरह गाँव है, ये हाईवे, ये हाईवे है। तो फाइनली मुझे लिफ्ट मिल चुकी है और ग्वालदम तक मिली है, 22 किलोमीटर है यहाँ से, है ना। तो इंद्रा ने दिया, थैंक यू भैया। आप कहाँ तक, ग्वालदम तक ही जा रहे हो? अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया। वहाँ से फिर वो कर्णप्रयाग कितना रह जाएगा लगभग? वहाँ से कर्णप्रयाग 3 घंटे का रास्ता है। अच्छा 3 घंटे का रास्ता है पूरा पूरा। अच्छा शाम तक तो कर्णप्रयाग तो पहुंच ही जाऊंगा। हाँ हाँ, अगर कंटिन्यू गाड़ी मिल जाएगी तो आप पहुंच जाओगे 1:30 बजे। अच्छा 1:30 बजे ही पहुंच जाऊंगा। हाँ। अच्छा। और चमोली का कितने घंटे का होगा लगभग? चमोली वहाँ से भी चमोली होगा कम से कम 60 किलोमीटर है, 60 घंटे का, वो भी 3 मतलब। ठीक है, तो अभी मैं पहुंच गया हूं ग्वालदम और भैया ने मुझे यहां तक छोड़ दिया है, थैंक यू भैया, नमस्कार, मिलेंगे फिर कभी, ओके ठीक है। भैया ने मुझे ग्वालदम तक उतार दिया था और अब मैं ग्वालदम में आते ही गढ़वाल में एंटर कर चुका हूं, यहां से 1/2 किलोमीटर पहले ही गढ़वाल चालू हो गया था। और ये मार्केट है ग्वालदम की, अब मैं जाऊँगा कर्णप्रयाग की तरफ। तो यहाँ गढ़वाल में आते ही अब भाषा भी चेंज हो गई है, वहाँ जहाँ मैं बैजनाथ में था वहाँ पर कुमाऊँ भाषा बोली जाती थी, क्योंकि वो क्षेत्र कुमाऊँ में आता था, वहाँ कुमाऊँ नहीं बोली जाती थी। और लेकिन वहाँ पे भी थोड़ी डिफरेंट थी कुमाऊँ क्षेत्र में भी, जैसे आप मुनस्यारी की तरफ जाओगे तो वहाँ भूटिया लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ भूटिया लैंग्वेज बोली जाती थी, और धारचूला साइड जाएंगे तो वहाँ थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज थी, लेकिन ज़्यादातर हिस्से में कुमाऊँ ही बोली जाती है, एसेंट थोड़ा सा अलग अलग होता रहता है, और यहाँ बोली जाती है गढ़वाली। तो मुझे एक और लिफ्ट मिल चुकी है और अंकल जी ने लिफ्ट दी है, अंकल जी यहाँ पास में ही कोई गांव है थराली, वहाँ तक जाएंगे। तो अंकल जी भी बाहर के ही हैं, इनको पता नहीं है कितने किलोमीटर है, तो वहाँ तक मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद अंकल जी, कहाँ से हो वैसे आप? मैं वैसे बागेश्वर से हूँ। अच्छा वैसे आप उत्तराखंड से ही हो? होम डिस्ट्रिक्ट नहीं, अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गए। हाँ ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आ गए अभी हम, ग्वालदम डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा मिलता जुलता है, ठीक ठीक। अभी हम गढ़वाल में चल रहे हैं और वो कुमाऊँ हो गया। हाँ वो कुमाऊँ, यहाँ की भाषा भी अब अलग ही हो गई। नहीं अभी इतना डिफरेंस नहीं, बट थोड़ा बहुत है। अच्छा हाँ, ये तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे मिलान होता है गढ़वाल और कुमाऊँ का, तो लगभग दोनों ही बोली जाती है यहाँ पे। हाँ
आप अभी ऐसे ही घूमने निकल गए या आपकी काम है आपको? नहीं, कोई काम नहीं है। आप ऐसे ही आप भी घुमक्कड़ हो? घुमक्कड़ हो गए। ऐसे ही घुमक्कड़ हो गए, मतलब आप ऐसे ही जा ही रहे हो। ठीक ठीक। अभी हम यहाँ एक होटल पे रुके थे और हमने ये कुरकुरे लिए, बिंगो टेढ़े मेढ़े। अब गाड़ी में जाएंगे अंकल के साथ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये पहाड़ों में कई बार स्रोत खुल जाते हैं बारिश की वजह से, तो वहाँ से ऊपर की तरफ से पानी आ रहा है। यहाँ पर आप देख ही रहे हो, तो बारिश के टाइम में अंकल जी ज्यादा स्रोत खुल जाते हैं ना। बारिश के टाइम पे ही है। हाँ, ये बारिश वाला ही स्रोत हो गया। एक दो महीने के बाद ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए महिलाएं किस तरीके से घास लेकर आती हैं। वो लेके आ रही है आंटी जी, कितने दूर से, और ये चढ़ाई करके जा रही हैं। काफी थक भी जाती होंगी बहुत, लेकिन इनको आदत ठहरी। और वहां पर खेतों में हो रही है धान की कटाई। काट तो लिए हैं लोगों ने, अब उनको एक जगह इकट्ठा करके रख रहे हैं, फिर धान निकालेंगे उसमें से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं थराली और अंकल जी ने यहाँ पे पेट्रोल भरवाया है। पीछे की तरफ थराली था। अब अंकल जी बैजनाथ बागेश्वर की साइड जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। तो अंकल जी ऐसे ही आ गए थे, ये कोई काम वाम से नहीं आए। तो अंकल जी तो ग्वालदम से थोड़ा आगे ही आके वापस हो लेते, लेकिन मेरे साथ यहाँ तक आ गए थराली तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। ठीक है, तो आप यहाँ नीचे की तरफ देख रहे हो, ये नदी है, पिंडर नदी है ये, और पिंडारी ग्लेशियर से बहकर आती है। तो ये इस नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से, और ये कर्णप्रयाग में जाके अलकनंदा नदी से मिल जाएगी। वहां पे इन दोनों का संगम होता है कर्णप्रयाग में जाके। मुझे लिफ्ट मिल चुकी है और इन भैया ने दिया। भैया क्या नाम है आपका? मनीष गोसाई है भैया का नाम। और कहाँ तक जा रहे हो आप? नारावगढ़ तक। अच्छा, नारावगढ़। हाँ जी, नारावगढ़। तो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास तक भैया जा रहे हैं। और वहां से फिर कितना रह जाएगा कर्णप्रयाग? उतना ही रह जाएगा, 25-30। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया। हम आ चुके हैं नारायण बगड़, और भैया यहीं तक आ रहे थे, इनकी शॉप है। और अब मैं यहाँ से कर्णप्रयाग के लिए निकल जाऊंगा, और 1:30 बज गए करीब, तो मैं यहाँ से पहले खाना खा लूंगा कहीं पे, और फिर उसके बाद निकल जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू। मिलते हैं फिर कभी। ठीक है भैया, अच्छे से घूमिए आप उत्तराखंड। बिल्कुल, थैंक यू भैया। मैं अभी एक होटल में आ गया हूँ और यहाँ पर खाना खा रहा हूँ। रोटी है, दाल है, सब्जी है, ककड़ी है, और अभी थोड़ी देर में चावल भी आएंगे। पहले रोटी खा लेता हूँ, उसके बाद चावल। तो खाना खा के फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा कर्णप्रयाग की तरफ। मेरे बगल में रोड देख रहे हो कितनी प्यारी है, लेकिन मैं रॉन्ग साइड चल रहा हूँ, क्योंकि उधर ये चट्टान देख ही रहे हो, यहाँ पर पत्थर गिरने का खतरा रहता है बहुत ज़्यादा। एक पत्थर गिरा और मैं ख़त्म, इसीलिए मैं चल रहा हूँ रॉन्ग साइड इनसे बचकर। अभी मैं आ चुका हूँ कर्णप्रयाग में। मुझे एक लिफ्ट मिल गई थी, तो उन भैया ने बोला कि ब्लॉग मत बनाना हमारा, वैसे लिफ्ट लेकर चल सकते हो। तो मैं उन भैया के साथ ही आ गया था। अभी मैं कर्णप्रयाग आ चुका हूँ और बद्रीनाथ वाले रास्ते पर हूँ, पुल पर खड़ा हूँ। और यहाँ पर कर्णप्रयाग में संगम होता है पिंडर नदी का और अलकनंदा नदी का। ये जो मटमैली नदी दिख रही है आपको मिट्टी कलर की, ये तो हो गई पिंडर नदी, और जो वहाँ से आ रही है वो हो गई अलकनंदा नदी। तो आप ये जो नदी देख रहे हो, ये है पिंडर नदी, और वो जो उधर से आ रही है बद्रीनाथ साइड से, वो है अलकनंदा नदी। और फिर ये साथ में होकर संगम हो जाता है इनका यहाँ पर, और ये अलकनंदा बन के ही आगे की तरफ चलती है। मेरे बगल में ये जो नदी बह रही है, ये है पिंडर नदी, और इसका दूसरा नाम है कर्णगंगा। और इसी के नाम पर इस जगह का जो नाम पड़ा है वो है कर्णप्रयाग। और एक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पर जो कर्ण का जो पार्थिव शरीर था, उसे भगवान श्री कृष्ण ने मुखाग्नि दी थी। और दूसरी मान्यता के अनुसार यहाँ पर बताया जाता है कि कर्ण ने भगवान सूर्य की यहाँ पर तपस्या करी थी, और उसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। तो इस जगह का नाम हो गया कर्णप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा नदी, जो कि पीछे की तरफ थी मैंने दिखाया था, तो अलकनंदा और पिंडर नदी का यहाँ पर संगम होता है। अभी तो लगभग 3:30 बजे, तो मैं और आगे की तरफ जाता हूँ, जितना आगे चल सकता हूँ उतना देखता हूँ, थोड़ा आगे जाऊँगा और फिर लिफ्ट मांग कर देखूँगा। तो
अभी मुझे लिफ्ट मिल गई है फिर भैया जी ने और अंकल जी ने दी है। थैंक यू भैया। नमस्ते। कहाँ तक जा रहे हो आप? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तक ही जा रहे हो जी? अच्छा, तो मैं बद्रीनाथ ही जा रहा हूँ और मुझे सीधी बद्रीनाथ तक की लिफ्ट मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आप उत्तराखंड से ही हो? रुड़की। अच्छा, रुड़की से हो? उत्तराखंड। हाँ, रुड़की उत्तराखंड। IIT भी है वहाँ जी? ठीक है। आप किस टाइम चले थे वहाँ से? रुड़की 8 बजे चले थे। अच्छा, सुबह 8 बजे चले थे। तो आपको तो रोड ब्लॉक मिला होगा फिर कई जगह? ब्लॉक तो नहीं मिला, लेकिन ट्रैफिक बहुत हैवी है। दूसरा बीच बीच में रुकना पड़ रहा है स्लाइड की वजह से। अच्छा हाँ, रोड का बहुत जगहों पर काम चल रहा है, थोड़ा उसको हटा रहे हैं। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण शर्मा। नारायण जी। आपका क्या हो गया? वासी जा रहे हैं। आपका नाम क्या हो गया भैया? मेरा नाम कुलदीप है। नाम जी का? मनोज। मनोज। फाइनली बद्रीनाथ पहुंच गया हूं और वो भैया रह गए पीछे। उनकी एक होटल में बुकिंग थी तो वो अपने होटल जा रहे हैं। अब मैं अपने रहने का जुगाड़ देखता हूं। अभी आते आते 9 बज गए, तो पहले एक बार मंदिर की तरफ जाऊंगा। अभी मैं आ गया हूं मंदिर की तरफ और मंदिर में हो रही है आरती, तो देखता हूं उससे पहले मैं आगे की तरफ जाता हूँ। आरती होके फिर पटबंद भी हो जाएंगे, तो मैं जल्दी से मंदिर की तरफ जाता हूँ। मैं अभी मंदिर के पास तो आ गया हूँ, लेकिन मंदिर के पट बंद हो गए हैं और जो अभी आरती हो रही थी वो किसी दूसरे मंदिर में हो रही थी। तो यहाँ पे आरती के बाद 9 बजे के आसपास पट बंद हो गए थे और यही है मेरे पीछे मंदिर। जय बद्री विशाल। चलता हूँ आपको अभी मंदिर के मंदिर दिखाता हूँ। वैसे मूर्ति तो दिन में भी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अलाउ नहीं है, बाहर से ही दिखा देता हूँ अभी आपको। तो ये हो गया भगवान बद्रीनाथ का मंदिर और पट तो अभी बंद है, सुबह ही खुलेंगे अब। और भीड़ देख रहे हो आप यहाँ पर कितनी है। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। तो यहाँ पर है तप्त कुंड, यहाँ पर गर्म जल की धाराएं निकलती हैं और लोग यहीं पे स्नान करते हैं। और ये है अलकनंदा नदी जो कि ग्लेशियर से निकल के आ रही है, तो इसका पानी बहुत ठंडा होता है और लेकिन यहाँ पर गर्म पानी निकलता है। और इधर हो गए भगवान बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। तो मैं अभी मंदिर के दर्शन करके आ चुका हूँ। भगवान बद्री विशाल के तो नहीं किए क्योंकि पटबंद हो गए थे, सुबह ही कर पाऊंगा वो तो मैं। अब मैं अपने रहने के लिए कोई जगह देखता हूँ जहाँ पे मैं कैंप लगा सकूँ। तो सबसे पहले बस स्टैंड की तरफ चलता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ। वैसे
वहाँ पर तो इस बार बहुत सारी बस खड़ी थी, शायद जगह नहीं होगी, लेकिन एक बार फिर भी जाकर देख लेता हूँ वहाँ पर। तो अभी मैं खा रहा हूँ खाना, यहाँ पर है रोटी सब्जी दाल, और खाना खाकर फिर मैं कोई जगह देखता हूँ। हेलीपैड यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो हेलीपैड की तरफ बता रहे हैं, यहाँ तो आसपास कहीं जगह ही नहीं है कैंप करने के लिए, तो हेलीपैड की तरफ जाऊँगा और फिर वहाँ पर देखता हूँ। थैंक यू भैया। अभी कैंप लगाने का जुगाड़ हो गया है, मैं यहाँ पे भागवत हो रही थी, भागवत तो आज ख़त्म होगी, मैं यहीं पे अपना कैंप लगाऊंगा और रात को यहीं रुकूंगा। और यहाँ पे टेंट वेंट भी लगा हुआ था, भागवत यहीं हुई थी, तो भागवत आज ख़त्म हो गई, उसके बाद भंडारा था, तो मैंने एक अंकल से पूछ के जो भागवत करा रहे थे उनसे पूछ के यहाँ पे कैंप लगाने की परमिशन मिल गई है। तो ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे, मंदिर के दर्शन कर ही लिए थे और बाकी के कल करा दूँगा आपको, बाहर से ही करा पाऊंगा क्योंकि अंदर से ही वीडियो बनानी अलाउ तो रहती नहीं है, इसीलिए तो बाहर से ही दिखा दूंगा। और उसके बाद शायद माणा गाँव जाऊँगा और फिर फूलों की घाटी और उसके बाद हेमकुंड साहिब। आज तो मैं सोच रहा था कि मैं शायद कर्णप्रयाग तक ही पहुँचूँगा, लेकिन कर्णप्रयाग में पहुँच गया था जल्दी, आज बहुत जल्दी जल्दी लिफ्ट मिल गई थी, तो कर्णप्रयाग में 3:30 बजे तक पहुँच गया था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और आगे चलता हूँ, चमोली तक पहुँच जाऊँगा तो फिर वहाँ कैंप कर लूँगा। फिर वो भैया मिल गए, वो सीधे बद्रीनाथ तक ही आ रहे थे और उनके पास तो सारा सामान था खाने पीने का, तो रास्ते भर कभी कोल्ड ड्रिंक कभी चिप्स कभी कुछ तो खाते पीते ही आ रहे थे। और उसके बाद वो भैया तो कह भी रहे थे कि रुकने की व्यवस्था हमारे पास नहीं हो पाएगी, हमारे जो कमरे हैं वो फुल हैं, नहीं तो हम रुकने की व्यवस्था करवा देते, लेकिन अगर खाना नहीं मिले कहीं पे तो हमारे पास आ जाना। तो लेकिन खाना तो मैंने होटल पे खा लिया है, अभी रुकने की व्यवस्था हो गई है, तो अभी अपना टेंट लगा लेता हूँ। और ठीक है, फिर मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, जय बद्री विशाल।